तो भाई अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है सब रूटीन। सब रूटीन और लाइब्रेरी रूटीन को हमने ऊपर डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब हमने बस क्या डिस्कस करना है कि सब रूटीन के हमारे पास यूजेस क्या होते हैं। सबसे पहला यूज सब रूटीन का क्या है? सबसे पहला यूज सब रूटीन का ये है कि हम इसको कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है कि हमें रिपीटेडली या फिर मोस्ट फ्रीक्वेंटली वो हम क्या किससे करवा सकते हैं? सब रूटीन से करवा सकते हैं। यूज टास्क को करता है, सही है? फ्रीक्वेंटली यूज टास्क को बार बार क्या करेगा? स्मॉलर लाइंस यूज करके उस टास्क को परफॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ सब रूटीन क्या करता है? फ्रीक्वेंटली यूज टास्क को या फ्रीक्वेंटली यूज ऑपरेशन को कम लाइंस यूटिलाइज करके प्रोग्राम के अंदर रन करता है या फिर परफॉर्म करता है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? रीयूज कर सकते हैं दूसरे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए? सब रूटीन के यूजेस हो गए। सब रूटीन की हमारे पास दो टाइप्स होती है। ठीक है, सब रूटीन की हमारे पास कितनी टाइप्स होंगी? दो टाइप्स होंगी। सबसे पहली टाइप होती है सब रूटीन की हमारे पास, वो क्या है? फंक्शन। ठीक है, सब रूटीन लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमारा सब रूटीन डिवाइडेड होता है दो टास्क के अंदर। एक है फंक्शन और दूसरा है क्या? प्रोसीजर। ठीक है, ये दो हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ सब रूटीन। एक है फंक्शन और दूसरा क्या है? प्रोसीजर। फंक्शन हमारे पास क्या है? फंक्शन हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि रिटर्न करता है वैल्यू किसी भी मेन प्रोग्राम के अंदर। अच्छा, वैल्यू जो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है? पैरामीटर। ठीक है, तो पेपर में पैरामीटर लिखना है, वैल्यू नहीं लिखना। तो रिटर्न करता है पैरामीटर इन द मेन प्रोग्राम। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? फंक्शन हो गया। प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर बिल्कुल सेम टाइप है फंक्शन की तरह, बस फर्क क्या है कि प्रोसीजर डू नॉट, ये भी एक सब रूटीन है। सब रूटीन Which do not return parameter in main program। ठीक है, बस ये डिफरेंस है फंक्शन और प्रोसीजर के अंदर। ठीक है, रिटर्न अ पैरामीटर का क्या मतलब? रिटर्न अ पैरामीटर का मतलब ये होता है कि जो भी हम काम करवाएंगे फंक्शन के अंदर वो उसकी वैल्यूज को क्या करेगा? रिटर्न करेगा। ठीक है, यानी रिटर्न का मतलब प्रिंट करेगा। ठीक है, हम लोग जैसे प्रिंट करवाते थे, अब फंक्शन और प्रोसीजर सब रूटीन के अंदर हम क्या करवाते हैं? रिटर्न करवाते हैं। बस प्रिंट की जगह क्या वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे? रिटर्न करने का। ठीक है, तो फंक्शन क्या करता है? फंक्शन प्रिंट करवाएगा जो जितना भी काम सब रूटीन के अंदर होता है यूजिंग पैरामीटर्स यानी यूजिंग वैल्यूज, उसको क्या करेगा? रिटर्न कराएगा, प्रिंट करवाएगा। कहाँ पर करवाएगा? मेन प्रोग्राम के अंदर करवाएगा। इसकी एग्जाम्पल मैं तुम्हें देता हूँ एक इस तरीके से कि भाई तुमने मैथ्स के अंदर तो पढ़ा होगा फंक्शंस। ठीक है, सो तुम्हारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या आ गया? तुम्हारे पास एक फंक्शन आ गया। यानी इस फंक्शन के अंदर तुम्हारे पास क्या स्टोर हुआ हुआ है? ये। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर तुम्हारे पास क्या स्टोर हुआ हुआ है? ये स्टोर हुआ हुआ है। अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर वैल्यू डालता हूँ 2, ठीक है, तो वो ये 2 जो है वो कहाँ पर जाके चेंज करेगा चीजों को? इस एक्स की जगह पर चेंज कर देगा। ठीक है, मैंने 2 क्या किया? इनपुट कर दिया। ये 2 मेरा क्या है? पैरामीटर। सही, ये 2 मेरे पास क्या है? पैरामीटर। तो जब मैंने 2 को फंक्शन के अंदर इनपुट किया, सही, जब मैंने अपना पैरामीटर फंक्शन को दिया, तो फंक्शन क्या करेगा? उस पैरामीटर को यूज करके एक वैल्यू जनरेट करेगा। ठीक है, वो वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 2 का स्क्वायर 4 और 4 टू 8, तो टोटल कितना हो गया? 12। अब अगर ये तुम यूज कर रहे हो फंक्शन, ठीक है, सब रूटीन में तुम यूज कर रहे हो फंक्शन, तो ये तुम्हारे पास क्या करेगा? ये तुम्हें रिटर्न करेगा वैल्यू एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, ये तुम्हारे मेन प्रोग्राम के अंदर रिटर्न हो जाएगा।
लेकिन अगर तुम प्रोसीजर यूज कराए होगे तो ये अपने अंदर ये वैल्यू क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा, लेकिन अपना मेन प्रोग्राम के अंदर ये तुम्हें वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा या वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा। ये बात समझ आई? बिल्कुल सेम चीज हमारे पास किस किस में यूज हो रही है, कंप्यूटर में यूज हो रही है। ये जो ये वाली चीज है इसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। हाँ चलो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सब रूटीन हमारे पास दो तरीके की है, एक है फंक्शन, दूसरा क्या है प्रोसीजर। ठीक है, फंक्शन हमारे पास क्या होगा, फंक्शन हमारे पास एक ऐसी सब रूटीन होती है, एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि हमें रिटर्न करता है, प्रिंट करता है वैल्यू। ठीक है, यानी पैरामीटर प्रिंट करेगा हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, प्रोसीजर हमारे पास एक सब रूटीन होती है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि पैरामीटर को प्रिंट नहीं करता हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्या आ गया, एक ब्लॉक ऑफ कोड आ गया या एक फंक्शन आ गया। ठीक है, मैथ्स के अंदर तुमने फंक्शन अगर पढ़े हैं तो उसमें तुम ये देख लो कि भाई फंक्शन के अंदर क्या करते हैं, हम वैल्यू को इनपुट करवाते हैं। अगर मैं इसके अंदर 2 डाल रहा हूँ तो इस एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, 2 रिप्लेस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 3 डाल रहा हूँ तो इस एक्स की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, 3 रिप्लेस हो जाएगा, और उससे एक वैल्यू जनरेट होगी। ठीक है, मुझे बार बार जो है ना ये पूरी चीज लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इसके लिए हमने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया एफ ऑफ एक्स, ताकि मैं ये चीज बार बार रिपीटेडली ना लिखूं। इसके लिए हमने क्या बना दिया, एक फंक्शन बना दिया एफ ऑफ एक्स। अब हो क्या रहा है कि मैं एफ ऑफ एक्स के अंदर लिख रहा हूँ 2। ठीक है, मैंने जैसे ही ये चीज लिखी तो मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो गया, 12 प्रिंट हो गया। ठीक है, ये कौन करवा रहा है, ये जो प्रिंट हो रहा है मेरी स्क्रीन पे ये कौन करवा रहा है, ये करवा रहा है फंक्शन। लेकिन अगर प्रोसीजर यूज होता तो क्या होता, ये प्रिंटिंग का प्रोसेस मेरे उसमें नहीं होता, लेकिन ये 12 जो है ये कहाँ पर स्टोर हो जाता, इस एफ ऑफ 2 के अंदर। तो बेसिकली हम फंक्शन और प्रोसीजर यूज क्यों करते हैं, ये जो बड़े बड़े ब्लॉक ऑफ कोड होंगे उसको हम स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर तोड़ लेंगे। सही है, अब वो जो सब रूटीन होगा उस सब रूटीन के अंदर जितना भी हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सब रूटीन के अंदर हमने पूरा का पूरा एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, हमने क्या किया उसको एक फंक्शन बना दिया। अब फंक्शन में क्या होगा, जैसे ही हम इसके अंदर कोई वैल्यू देंगे तो वो उस वैल्यू को यूज करते हुए या उस वेरिएबल को यूज करते हुए क्या करेगा, सारा का सारा काम करेगा और करके प्रिंट कर देगा किधर, हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, लेकिन प्रोसीजर के अंदर क्या होगा, प्रोसीजर बिल्कुल सेम काम करेगा, बस वो प्रिंट नहीं करता, ये चीज अपने पास याद कर लो। समझ आया? ठीक है, चलो अब फंक्शन और प्रोसीजर की हम एग्जांपल देख लेते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि फंक्शन हमारे पास दिखता कैसे। अगर तुम्हारे पेपर में फंक्शन लिखने को आ जाए तो जो है बिल्कुल भी नहीं घबराना। तुमने क्या करना है, तुमने सबसे पहले लिख देना है यहाँ पर फंक्शन। ठीक है, ये तुमने क्या कर दिया, ये लिख दिया यहाँ पर फंक्शन। फंक्शन लिखने के बाद अब तुम क्या करोगे, इसके आगे इसका नाम लिखोगे। ठीक है, फंक्शन लिखने के बाद अब क्या करोगे, इसके आगे तुम इसका नाम लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने फंक्शन का नाम सेट कर दिया एड। ठीक है, तो ये फंक्शन का नाम मेरा क्या है, एड। एड के आगे हमने क्या करना है, 2 ब्रैकेट लगा देने। ठीक है, एड के आगे हमने क्या करना है, 2 ब्रैकेट लगा देने, और उसके बाद उसके आगे लिखना है रिटर्न, और रिटर्न का डेटा टाइप लिखना है कि भाई फंक्शन है मेरा एड और ये रिटर्न करेगा क्या, इंटीजर वैल्यू। ठीक है, रिटर्न करेगा क्या, इंटीजर वैल्यू। ये आ गया मेरे पास क्या, फंक्शन। दोबारा से सुन लो, फंक्शन फंक्शन लिखते हुए क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे फंक्शन, फिर उसका आगे उसका नाम आएगा, नाम के बाद लिखोगे तुम रिटर्न, रिटर्न के बाद तुम लिखोगे डेटा टाइप, यानी जो चीज वो प्रिंट करेगा उसकी डेटा टाइप। ये लिखने के बाद अब तुमने अपना नॉर्मल जो सूडो कोड हम लिखते थे वो करना है। ठीक है, डिक्लेरेशन सारी चीजें इसी के अंदर होंगी। सही है, तो हमने यहाँ पर डिक्लेयर करवा देते हैं भाई, डिक्लेयर n1, n2 एज इंटीजर। ठीक है, हमने यहाँ पर इसके अंदर डिक्लेयर करवा दिया, डिक्लेरेशन फंक्शन के या प्रोसीजर के अंदर होगी, बाहर नहीं होगी। हमने यहाँ पर डिक्लेरेशन करवा दी। अब क्या है भाई, अब हमने क्या करना है, ऐड करना है दोनों नंबर्स को, दोनों को ऐड कर देते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे भाई इनपुट n1, n2। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, इनपुट n1, n2। ठीक है, सारी चीजें हमारे जैसे सूडो कोड हमने पढ़ाया वैसी चल रही है। हमने यहाँ पर ले लिया एक अपना वेरिएबल सम का, और दोनों को क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया, n1 plus। चलो, तो यहाँ पर हमारे पास सब कुछ कैसा हो रहा है, सारी चीजें सेम हो रही हैं जैसे हम सूडो कोड लिखते थे। ठीक है, सिर्फ एक डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस क्या है, ये चीज। इस चीज को तुम याद कर, फंक्शन लिखोगे, फंक्शन लिखने के बाद यहाँ पर फंक्शन का नाम आएगा, 2 ब्रैकेट्स आएंगे, उसके आगे रिटर्न आएगा कीवर्ड, और फिर उसके आगे उसकी डेटा टाइप। ठीक है, उसके नीचे तुमने पूरा अपना सूडो कोड लिख। ठीक है, सम इक्वल टू सम प्लस n1 plus n2 कर ली, करने के बाद अब हमने क्या करना है, प्रिंट करना है सम। तो अब हमने क्या लिखना है, हमने प्रिंट सम लिखने की जगह पहले हम क्या लिखते थे,
प्रिंट सम, ठीक है। पहले हम क्या लिखते थे, प्रिंट सम, अब हम क्या लिखेंगे जब फंक्शन लिख रहे होंगे तो हम क्या लिखेंगे, रिटर्न सम, ठीक है। जब हम सूडो कोड लिखते थे तो हम क्या लिखते थे, प्रिंट सम, जब हम फंक्शन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, रिटर्न सम, ठीक है। अच्छा ऊपर मैंने रिटर्न सम को डिक्लेयर नहीं करवाया तो इसको डिक्लेयर करवा देते हैं, ये करने के बाद हमने जब फंक्शन को ओपन किया है तो हम फंक्शन को क्या करेंगे, एंड करेंगे, यहां लिख दिया हमने एंड फंक्शन, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ये पूरा का पूरा एक फंक्शन आ गया। फंक्शन मेरे पास क्या है, ये देखो ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि कहीं पर भी यूज हो जाएगा, कहां पर, मेरे कोड के अंदर, यानी जो मेरा मेन प्रोग्राम होगा उसके अंदर। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे सम करवाना है कोई 60-70 टाइम्स, यानी मेरे पास एक वन से लेके मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड है, ठीक है, मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड है, अब उसके अंदर मुझे सम करवाना है, तो उसके लिए मैं ये जो तीन लाइन है ये बार बार, चार लाइन में बार बार थोड़ी ना लिखूंगा, एक दो तीन और चार, ये चार लाइन में बार बार नहीं लिखूंगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक सम बना लिया एड। तो जब भी मुझे सम करवाना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कॉल एड, ये बस मैंने ये लिखा, एक लाइन में मेरा काम हो गया, मुझे ये चार लाइनें लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सम को यूज कर, फंक्शन को यूज करते हैं। फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि बार बार हमें रिपीट होने से बचाता है, हमारे ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रिपीट होने से बचाता है, ठीक है। और रिटर्न करता है क्या, वैल्यू, यानी एक तरीके से हम क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। अगर ये चीज हम सूडो कोड में करते और इस चीज को रिमूव कर देते, इस चीज को रिमूव कर दे तो ये हमारा क्या बन गया, सूडो कोड बन गया, और रिटर्न की जगह हम क्या लिखते थे, प्रिंट लिखते थे। लेकिन जब हम फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन लिख रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न कर रहे होंगे वैल्यू, प्रिंट की जगह हम लिखेंगे क्या, रिटर्न। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। अब जब हम प्रोसीजर लिख रहे हैं, ठीक है, ये तो हमारा आ गया क्या, फंक्शन। अब जब हम प्रोसीजर लिख रहे होंगे तो उस वक्त हम क्या करेंगे, तो भाई प्रोसीजर भी हमारे पास बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी है इसकी, हमने लिखा प्रोसीजर, ठीक है, हमने क्या लिख दिया, प्रोसीजर। प्रोसीजर लिखने के बाद अब उस प्रोसीजर का नाम आ जाएगा, फॉर एग्जांपल मैंने प्रोसीजर का नाम रख दिया, सेम ही रख लेते हैं एड, हमने प्रोसीजर का नाम रख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट हम इसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है, डिक्लेयर ये कोड एज इट इज, सेम टू सेम मैंने कॉपी किया और इधर लिख दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, इस कोड को कॉपी किया और इधर लिख दिया क्योंकि मुझे सेम काम करवाना है, ठीक है। बस अब क्या होगा, यहाँ पर वैसे प्रिंट आ जाएगा, ठीक है, और हमारा यहाँ पर प्रोसीजर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, क्या होगा कि जब भी कोई बंदा इस मीटर पास करता है, कोई वेरिएबल पास करता है या कोई वैल्यू पास करता है तो होगा क्या, ये सारा का सारा काम यहाँ पर हो जाएगा, जैसे सूडो कोड में होता था, प्रिंट सम जो है ना इसी के अंदर होगा, ठीक है, इसी के अंदर प्रिंट सम होगा, हम यहाँ पर रिटर्न नहीं कर रहे। रिटर्न सिर्फ हमने कहाँ पर, यहाँ पर देखो हमने रिटर्न जो है डिक्लेयर भी नहीं किया, यहाँ पर फंक्शन में किया, रिटर्न हमने इधर लिखा था, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, प्रिंट लिख दिया, सारे काम सेम है, बस इसके अंदर क्या नहीं आ रहा, रिटर्न नहीं आ रहा, बाकी ये बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज। प्रोसीजर लिखा, ठीक है, यहाँ पे प्रोसीजर का नाम लिखा, नीचे एंड प्रोसीजर आएगा, बीच में सूडो कोड आएगा, क्या ये बात क्लियर है, पक्का, कोई मसले मसाइल कुछ भी नहीं है, सिर्फ फंक्शन आया उसके आगे हमने उसका नाम लिखा, रिटर्न का डेटा टाइप लिखा, एंड फंक्शन रिटर्न करेंगे, ठीक है। प्रोसीजर के अंदर हमने क्या करना है, प्रोसीजर के अंदर प्रोसीजर लिखा, उसका नाम लिखा और नीचे एंड प्रोसीजर, अब इसको हम कॉपी कर लो, तो भाई हमारा यहाँ पर फंक्शन और सब रूटीन, लाइब्रेरी रूटीन सब खत्म हो गया। अब लाइब्रेरी रूटीन के हम बेनिफिट और ड्रॉबैक लिख लेंगे, फिर हमारा पूरा का पूरा एंड हो जाएगा, ठीक है। अब इस टॉपिक को जल्दी से खत्म करते हैं, ऑफ फंक्शन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारे पेपर में आ जाए तो तुम ये कर पाओगे, ठीक है, 3 मार्क का ये क्वेश्चन आ सकता है। एडवांटेज क्या है भाई, सबसे पहला एडवांटेज हमारे पास ये होता है कि हमें बार बार एक ही कोड को, एक ही ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट, फिर उसके बाद ये इम्प्रूव करता है रीडेबिलिटी,
क्या मतलब कि भाई अगर मेरा कोई ब्लॉक ऑफ कोड है तो वो चल रहा है उसके अंदर बार बार, फॉर एग्जाम्पल ये आ गया हमारे पास दोबारा से डिक्लेयर वगैरह का, ठीक है ये मेरा ब्लॉक ऑफ कोड चल रहा है, इसमें अचानक से आ गया हमारे पास क्या डिक्लेयर नंबर और ये वो, ठीक है फिर उसके बाद जो है हमारा ब्लॉक ऑफ कोड चल रहा है, ठीक है दो तीन लाइन चली, चलने के बाद दोबारा से अपने पास क्या आ गया यही वाला सेम टू सेम मेथड इज ब्लॉक ऑफ कोड आ गया, ठीक है फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा दोबारा से थोड़ी सी लाइनें चली, फिर हमारे पास दोबारा से क्या आ जाएगा यही सेम चीज बार बार प्रिंट होगी, सही, क्योंकि हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड है हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो क्या होगा बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तो उसके हिसाब से फंक्शन क्या करेगा, अगर फॉर एग्जाम्पल ये प्रोग्राम चल रहा है मुझे सम करवाना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई क्या कॉल एड, ठीक है फिर उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे पूरा प्रोग्राम आगे चलाया, फिर उसके बाद मुझे सम करवाना है मैंने क्या लिख दिया कॉल एड, ठीक है फिर उसके बाद मुझे आगे मैंने अपना कोड लिखा, फिर मुझे सम करवाना है फिर से मैंने क्या कर दिया कॉल एड, जो पहले चार लाइनें यूज हो रही थी और बार बार मुझे डिक्लेयर सम नजर आ रहा था, अब क्या हो गया एक लाइन यूज हो रही है और रीडेबिलिटी में भी क्या हो गया फर्क पड़ा, सही है रीडेबिलिटी क्या हो गई इसकी अच्छी हो गई आसान हो गई, ठीक है तो इस तरीके से क्या करता है इम्प्रूव करता है हमारी रीडेबिलिटी, हमें बार बार एक ही चार छह लाइनें देखने की जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मली जो फंक्शन होते हैं वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट बहुत बड़े बड़े दो दो तीन तीन पेज के भी फंक्शन होते हैं, फिर लास्ट एडवांटेज इसका क्या है कि ये डिवाइड कर देता है लार्ज प्रोग्राम्स को इंटू स्मॉलर प्रोग्राम, ठीक है अब आते हैं इसके हम डिसएडवांटेज पे, डिसएडवांटेज का क्या है फंक्शंस को कंबाइन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, ठीक है अच्छा हमें तो अभी कंबाइनिंग वगैरह का काम नहीं करना तो हमारे लिए अभी मुश्किल नहीं है, हमें सिर्फ अभी फंक्शन लिखना आना चाहिए जो कि हमें आता है, कैसे आता है बस ये चीज लिखनी है हमने और बाकी बीच में क्या है सूडो कोड, तो कंबाइनिंग फंक्शन इज रियली हार्ड या फिर वेरी डिफिकल्ट, क्यों, क्योंकि भाई हमें जो है क्या करना पड़ेगा पूरे मेन प्रोग्राम को देखना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से चल रहा है, कौन सा हमारे पास पैरामीटर है, कौन सा वेरिएबल है, कैसे हमें किसको डिक्लेयर करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें हमें देखते हुए फंक्शंस को कंबाइन करना होता है अपने मेन प्रोग्राम के अंदर, अगर हम बगैर देखे कंबाइन कर देंगे तो चांसेस ऑफ जेनरेटिंग एरर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है तो ये हमारा क्या हो गया डिसएडवांटेज हो गया ऑफ फंक्शन, ठीक है यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है अब जल्दी से लास्ट चीज देख लेते हैं हम ताकि हमारा ये टॉपिक जो है ना बिल्कुल खत्म हो जाए, एडवांटेज ऑफ लाइब्रेरी रूटीन, ठीक है ये हमारा आखिरी टॉपिक है भाई एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लाइब्रेरी ड्यूटी, अगर आ जाए तो इसका जवाब दे देना, एडवांटेज क्या भाई लाइब्रेरी रूटीन के, लाइब्रेरी रूटीन हमारे पास क्या थे ये हमें मैन्युफैक्चरर खुद से बनाकर देता है, ये ट्राइड होते हैं ये टेस्टेड होते हैं इसमें कोई भी एरर नहीं होता, ठीक है ये हमारा होता है लाइब्रेरी रूटीन, यानी अब लाइब्रेरी रूटीन के साथ वर्क करना कैसा होगा हमारे लिए फास्ट होगा, यानी हमें तो नहीं बनाना ना लाइब्रेरी रूटीन, नहीं हमें अपने लाइब्रेरी रूटीन को टेस्ट करना है, ये सारा काम कौन करके दे रहा है मैन्युफैक्चरर करके दे रहा है, अब हमें क्या करना है हमें सिर्फ इसको यूज करना है, तो ये क्या काम है फास्टर काम है एज कम्पेयर टू सब रूटीन्स, ठीक है फिर ये क्या होते हैं ये हमारे पास ऑलरेडी रिटन कोड होते हैं हमें इसको लिखना नहीं पड़ता, सही हमारा टाइम बचता है, फिर उसके बाद ये अवेलेबल होते हैं, फिर उसके बाद ये क्या होते हैं अवेलेबल होते हैं फॉर इमीडिएट यूज, ठीक है क्या मतलब कि भाई अगर मुझे जल्दी जल्दी कोई चीज यूज करनी है फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है ना एक फंक्शन का जो है वो फॉर एग्जाम्पल मुझे ना एक लाइब्रेरी रूटीन बनाकर दिया हुआ है सम करने के लिए, कि भाई अगर मुझे सम करवाना है तो उसके लिए मुझे एक लाइब्रेरी रूटीन बनाकर दिया, अब मैं क्या करूंगा अब मुझे सम करवाने में क्या करूंगा डायरेक्ट उस लाइब्रेरी रूटीन को यूज कर लूंगा, रादर देन कि मैं बैठ के पूरा सब रूटीन बनाऊ उसको चेक करूँ उसको कंबाइन करूँ, मैं डायरेक्ट क्या यूज कर लूंगा लाइब्रेरी रूटीन यूज कर लूंगा, लास्ट एडवांटेज इसका क्या है कि हमें कोई जरूरत नहीं होती इसको टेस्ट करने के लिए, नो नीड टू टेस्ट, ट्राइड और टेस्टेड होता है, अब आते हैं हम इसके डिसएडवांटेज के ऊपर, डिसएडवांटेज ऑफ
लाइब्रेरी रूटीन। ठीक है, अब भाई डिसएडवांटेज क्या है कि लाइब्रेरी रूटीन के अंदर हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। सो लाइब्रेरी रूटीन कैन नॉट चेंज, हम उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, कैन नॉट चेंज। दूसरी चीज कि भाई लाइब्रेरी रूटीन से ना वायरस को स्प्रेड किया जा सकता है। ठीक है, कोई बंदा जो है ना उसने क्या किया, उसने एक लाइब्रेरी रूटीन बनाया और तुम्हें भेज दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे किसी दोस्त ने बोला कि भाई मेरे पास एक लाइब्रेरी रूटीन है, मेरे मैन्युफैक्चरर ने मुझे लाइब्रेरी रूटीन बनाकर दिया है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लाइब्रेरी रूटीन है और जो है ना उससे सारे काम हो जाते हैं। तुमने कहा अच्छा मेरा भी काम आसान हो जाएगा, तुम ना मुझे भेज दो। अब पता चला उसने क्या किया, उसने जो है एक सब रूटीन बनाया हुआ है, उसको ना उसने बोला कि नहीं नहीं ये लाइब्रेरी रूटीन है, उसने तुम्हें सेंड कर दी। अब जब तुम उसको यूज करोगे तुम्हारे कंप्यूटर में क्या आ जाएगा, वायरस आ जाएगा। तो लाइब्रेरी रूटीन से हो सकता है कि तुम्हारे कंप्यूटर में वायरस भी स्प्रेड हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसका डिसएडवांटेज है। और फिर उसके बाद लास्ट डिसएडवांटेज हमारे पास इसका क्या है कि भाई जो लाइब्रेरी रूटीन होता है ना उसको हम अपडेट नहीं कर सकते। जो एक दफा लाइब्रेरी रूटीन बनाकर भेज दिया मैन्युफैक्चरर ने, वो भेज दिया, कैन नॉट बी अपडेटेड, उसको अपडेट करना नामुमकिन, नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे भाई हमारा जो है कंप्यूटर साइंस का पेपर 2 ऑफिशियली एंड होता है। सब्सक्राइब टू सीएस बाय हमजा इफ यू फाइंड एनी वैल्यू इन इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।